छत्तीसगढ़ हर्षलवाड़ा ने जीके क्वेश्चन एक बार अंतिम प्रयास फिर से। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लासेस देखेंगे, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका 2 से 3 नंबर प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करके जाइएगा कि यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सब आपको कराएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। बस्तर के दशहरा उत्सव की जो समाप्ति होता है आपका मुड़िया दरबार से होता है। डायरेक्ट आपको आंसर बताते चल रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से यह क्लास चल रही है। तो एक अंतिम प्रयास आप सभी के लिए लाया हूँ, एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? तो बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है, क्योंकि जितना हो सके आप रिवाइज करके जाइएगा उतना ही आप सभी के लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। आपका CGPSC 2019 में पूछा गया है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? तो बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं आपका व्यापम 2018 में पूछा गया है, चैत्र माह में, ठीक है। बस्तर में जो माटी तिहार है आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो CGPSC 2016 में पूछा गया है आपका, स्थानीय आदिवासी द्वारा। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो स्थानीय आदिवासी के द्वारा खींचा जाता है। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो छत्तीसगढ़ वन विभाग से पूछा गया है 2016 में, काछिनगादी देवी से। तो आप सभी को कहना चाहूँगा आप दशहरा से एक बार रिवाइज करके जाइएगा, एक मेरा वीडियो है आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में दशहरा से टोटल 10 प्रश्न कराया हूँ। जो 10 प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से 1 से 2 नंबर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बस्तर के दशहरा से क्लास में करा दिया हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, या फिर चैनल पर जाइएगा आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो बस्तर के जो दशहरा जो प्रारंभ है इसकी देवी की पूजा की जाती है आपका काछिनगादी देवी की। उसी प्रकार काछिनगादी किस पर्व से अनुष्ठान है? तो आप सभी कहेंगे दशहरा, आप सभी को बताया अभी, ये आपका CGPSC CMO 2019 में पूछा गया है। अब देखेंगे कि ये जो मंडी निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया था, जो 2021 में हुआ था मंडी निरीक्षक का, तो थापड़े नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का समुदाय है? जो थापड़े नृत्य है ना आपका, वो आपको कोरकू जनजाति से संबंधित है। तो मैं आप सभी को पहले ही कराता था जनजाति से क्वेश्चन, आप सभी को करा दिया हूँ, जाके आप देख सकते हैं। नृत्य वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेय पदार्थ से पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो एक दिन आपको मैं जनजाति से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपका ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, है ना। चलिए, काठिया पथरी चूना आपका रायपुर में है, जो कौन से जिले में? रायपुर जिले में, आपको मंडी निरीक्षक 2021 में पूछा गया है। एक बार क्या है कि अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं तो आपका बेनिफिट रहेगा कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं आपको हॉस्टल वार्डन की तैयारी करा रहा हूँ, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, दोनों में जो एग्ज़ाम है काफ़ी 1 से 2 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे, है ना। तो कटरी पथरी चूना जो है आपका कौन सा जिला में है? रायपुर, है ना, क्या आएगा? रायपुर। चलिए अब देखिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है CGPAPAM में। तो बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछ दिया था कि मुंडा यात्रा, है ना, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए थे मुंडा यात्रा होता क्या है। तो इसको पूरा हो जाएगा आपका गंगा मुंडा यात्रा, है ना, इसको याद रख लीजिएगा, गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। किसके सम्मान में? मावली माई की विदाई के सम्मान में, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। बस्तर दशहरा में मावली माई के जो विदाई होता है ना, विदाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि होता क्या है, तो उनके सम्मान में अंतिम जो कार्यक्रम होता है ना उसको गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है। चलिए अब इसको क्यों मनाते हैं, क्या है, आपको पूरा जानकारी बताऊंगा। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। बार बार कमेंट ना कीजिएगा या फिर मैसेज ना करें ना बीच बीच में। देखिए, जेठौनी किस माह में मनाते हैं? तो जेठौनी आपको कार्तिक माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो एक बार देखिए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो छेरछेरा आता है ना, छेरछेरा पर्व, वो कौन से माह में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये जो श्रम निरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे ही त्यौहार से क्वेश्चन पूछ लिया था, 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है ना अभी, उसमें पूछा गया था, ठीक है।
और एक और पूछा गया था, छेरछेरा वाला पूछ दिया था, और एक और है जो पूस पुन्नी जो आता है ना, हाँ वही वाला पूछा गया था। परलकोट विद्रोह महिपाल देव है ना, विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार विद्रोह से मैं एक वीडियो लेकर आया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सर्वपुरी शासकों की राजधानी है बारसूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीतर देव नहीं है, तीवर देव है ना, तीवर देव जो छत्तीसगढ़ के कौन से राज्य से संबंधित है, तो पांडु वंश से। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध है जो राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण करवाया था पंचायनम शैली से, कौन सा पांचवा जो शैली है ना आपका, वहाँ से स्थापित हुआ था। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो आपका जगत पाल ने, ठीक है, किसने, जगत पाल ने। देखिए तो छत्तीसगढ़ का इतिहास से कल क्लास करेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो कि आधुनिक इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ से कल करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर, राजिम हमेशा महादेव मंदिर कहाँ है छत्तीसगढ़ में, सबसे प्रसिद्ध है कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में। कपूरिया वंश की राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी है ना। चलिए यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर में आगमन किस स्थिति में हुआ था, तो किस स्थिति में हुआ था आप लोग बताइएगा, 20 दिसंबर 1920 में, ठीक है। देखिए ये जो मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया हूँ इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो गांधी जी का सर्वप्रथम है ना रायपुर 20 दिसंबर 1920 में। किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है, तो बिहार में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें स्त्री जो साक्षरता है सबसे कम है, तो बिहार है ना। छत्तीसगढ़ में कैसे होगा पागल, यहाँ पर जब बिहार में बता रहा हूँ तो कैसे कमेंट कर रहे हो। चलिए वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है, तो वन क्षेत्र की दृष्टि से चौथा क्रम है, जबकि आवरण में कौन सा है, तीसरा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2018-19 में जो पूछा गया ना, छत्तीसगढ़ कुल सिंचित क्षेत्र नहरों का 36% था, और आप लोग अभी बताइए कि 2023 में है ना, 2023-24 में अभी कितना है छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र नहर का, बताया था अभी 2023-24 में कितना है, कमेंट करके बताओ। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है ना, कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। अब देखिए इस राज्य में जो है आपका अप्पा जी आएगा ना, भोसले शासक, बिल्कुल सही है। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी 2 दिसंबर 1857 को, ठीक है, 2 दिसंबर 1857 को। सुरही गाय की कहानी, सीताराम मिश्रा, ये भी एग्जाम में पूछता है कि कहानी के लेखक कौन है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। देखिए कंप्यूटर का आपको 50 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं हॉस्टल वाडाना में, तो डेली आपको कराया जा रहा है। अगर देखिए एक डिस्क्रिप्शन की लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपका रहेगा जो अभी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कैसे करना है, कौन से बुक से करना है, और इसकी योग्यता क्या है, कैसे तैयारी करना है, मात्र 40 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, ये आपने, मैं कल वीडियो बताया हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया, जाकर पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक। अभी 1930 में झंडा सत्याग्रह हुआ था ना, एग्जाम में पूछता है बार बार बिलासपुर में, याद रखना ये आपका व्यापम और पीएससी एग्जाम अभी हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था जो 1923 में झंडा सत्याग्रह, और ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, रेलवे का एग्जाम हुआ है ना ग्रुप डी, या ये रेलवे का जो हुआ था ना उसमें NTPC में, उसमें पूछा गया था कि 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो आप बताएंगे बिलासपुर में, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, तो सकल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या है ना, याद रखना। ये जारंग पाट कहाँ बोला था कि सबसे राज्य का ऊंचा, मैन पाट ना, हाँ। ब्रिटिश जो शासक थे अधिकारी, आदिवासी विद्रोह बस्तर में होता है, विद्रोह जो होता है आदिवासी विद्रोह बस्तर में। और चलिए ये बताइएगा कि आप इस राज्य के यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था, तो कंडेल आएगा आंसर सी। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था, कलिंग राज, कौन है, कलिंग राज। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था, तो जो बादल महल है ना आपका राज सिंह देव है, ठीक है, राज सिंह, राजराज सिंह।
तो आप लोग बताइएगा ये जो कल्याण सहाय है वो कौन है। ठीक, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है? लोक रंगमंच। और देखिए छत्तीसगढ़ में लोक कला व संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोक कला व संस्कृति से। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं हमारे चैनल पर, डेली आपको पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा जो एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले देखिए कल की क्लास में हम क्या करेंगे, पहले छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से देखेंगे, उसके बाद लोक कला संस्कृति, जो तबला वादक है, जो किसको क्या मिला है, सब पूरा देखेंगे, नित्य वित्तीय से जनजाति वगैरह से पूरा क्वेश्चन देखेंगे यार, है ना। तो मुझे यहाँ पर अभी एयरटेल के यहाँ से क्रिएट बोनस मिला है, मुझे यहाँ पर 51 रुपये मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। कास्ट स्थलाकृति, जो कास्ट स्थलाकृति है ना, जो स्टेलगमाइट का है, ये आपको कुटुम्बसर की गुफा में मिलता है। ठीक है, तो इसका छत्तीसगढ़ छात्र इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मेंबरशिप में PDF भी मिल जाएगा, है ना, PDF मिल जाएगा, आप मेंबरशिप में जाइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का हाँ PDF आपको मिल जाएगा। अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, मेंबरशिप की क्लास रहेगी, वहाँ आपको मिल जाएगी। टाइगर पॉइंट आपका है जल सरगुजा। कैसेटी राइट किस धातु का अयस्क है जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है? यूरेनियम। राज्य में कुंभ मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में लगता है। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? कोयला। कौन सा है? कोयला। निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? तो वाणिज्य कर। ठीक है, इस राज्य के वर्तमान विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? मनोज बंडा में। जबकि वर्तमान में अभी 2023 में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, इस राज्य का निम्न कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पंडवानी। कौन सा है? पंडवानी। ठीक है, पंडवानी। ये ददरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकगीत के लिए। कौन सा है? प्रेम, प्रेम तनाय, प्रेम पणाय गीत के लिए ददरिया प्रसिद्ध है। लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ददरिया को कहा जाता है, है नहीं। भर्तरी किसके गायक है, कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस राज्य में स्वास्थ्य विहार संबंधित है बौद्ध विहार, यानी कि बौद्ध जो केंद्र है ना आपका, वही है। तो इस राज्य के प्रथम मराठा शासक सूबेदार कौन है? महिपत राव दिनकर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1824-25 में मराठों के विरुद्ध कौन सी आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो परोलकोट विद्रोह हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, टोटल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास देखे हैं। लगातार अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, डेली क्लास अटेंड करते रहिएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है।